सो हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी अब चपोड़ा फोर्ट की और देख सकते हैं काफी अच्छा। बाजू में जो जगह दिख रहा है ना यहीं पे हुई थी दिल चाहता है मूवी की शूटिंग। दीवार सी बनी पड़ी है और मेन सीन जो है वो इधर है। लुक एट द व्यू, ऑसम। और एक व्यू और मिलता है उस एंड से, वहां से हमें नीचे जाना होगा, वो चलते हैं, वो भी दिखाएंगे। रास्ता तो जबरदस्त है। चील बहुत सारे उड़ते हैं यहाँ, ड्रोन फ्लाई करने वाले, सावधानी से ड्रोन फ्लाई करो। देख सकते हैं आप इधर का व्यू, क्या फाड़, क्या ऑसम है ब्रो, आई एम जस्ट लविंग इट। ये देखिए सीन्स, ये उस एंड पे जो है इन पत्थरों के बाद है वो वेगेटर बीच, और इधर वाला कोई फॉरेनर्स का बीच है, उसका नाम मैं भूल। तो पहुंच गए अपन लोग अगोडा फोर्ट। अगोडा फोर्ट तो एंट्री ले चुके हैं हम लोग अगोडा फोर्ट। अगोडा फोर्ट, और अगोडा आता है पुर्तगीज शब्द मराठाओं और अंग्रेजों से बचने के लिए इस किला का निर्माण किया गया। हेलो एवरीवन, सो इट्स डे टू इन गोवा और सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30 और अभी अपन निकलने वाले हैं अपने दूसरे दिन के साइट सीइंग टूर पे। और आज क्या क्या होने वाला है वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। ऐसे आज अभी अपन चल रहे हैं सबसे पहले चपोड़ा फोर्ट और वेगेटर बीच, दोनों आसपास ही है। जिनको कन्फ्यूजन होता है कहाँ है कैसे है, आसपास ही है दोनों, तो वो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक और बीच जाना है और उसके बाद इवनिंग सेशन में हमें जाना है अगोडा फोर्ट और सिंकुरिम बीच, जो एक सनसेट बीच काफी फेमस है यहाँ पर। तो बने रहे हैं और उसके बाद आज देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो चलते हैं आज के शेड्यूल पे, आज के डे पे। वेगेटर बीच चपोड़ा 350 मीटर, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी 1 मिनट लेफ्ट पार्किंग होगी। तो भाई पहुंच गए हैं अभी चपोड़ा फोर्ट और चढ़ाई हमने कर दी अब स्टार्ट। 120 ज्यादा नमक भी, नमक मसाला चाहिए, थोड़ा सा और दे नमक और गलर। हाँ, थैंक यू बेटा। सो हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी अब चपोड़ा फोर्ट की और देख सकते हैं काफी अच्छा सीढ़ी है इधर, ज्यादा थकावट वाला है। ओह,
तो मैं पहुंच गया हूँ भाई अब चपोरा फोर्ट। और ये देखिए सब सीधे है बंजर सा वीरान सा चपोरा फोर्ट का एरिया। बस यहाँ कुछ नहीं, चारों तरफ से एक दीवार सी बनी पड़ी है और मेन सीन जो है वो इधर है। लुक एट द व्यूज, ऑसम फाड़। और एक व्यू और मिलता है उस एंड से, वहां से हमें नीचे जाना होगा, वो चलते हैं, वो भी दिखाएंगे अभी। तो यही वो रास्ता है जिधर से हमें नीचे उतर के जाना होगा, देख सकते हैं आप। वो वहां से उस एंड से आने के बाद हमें इधर से नीचे उतरना पड़ेगा। और अभी चल रहे हैं अपन नीचे उस जगह जाने के लिए, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको रास्ता। ये रास्ता बना हुआ है, इधर से ही जाना है, थोड़ा स्लिपरी है तो ध्यान से रख के जाना होगा, कोई इशू नहीं होगा। फिर तो अभी मैंने गलती से ले लिया था गलत रास्ता, लेकिन अब दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। जो लोकेशन मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था उस जगह पे। और गर्मी लग रही भाई, आफत गर्मी, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। वो यही रास्ता लग रहा है क्या? और तो कोई रास्ता है नहीं। नहीं, ये तो सही होना चाहिए। रास्ता तो यही होना चाहिए। ओ हाँ बोल। रास्ता तो जबरदस्त है। Paths always led to awesome destinations. और सही रास्ता ही आए हैं लग रहा है। हाँ रास्ता तो सही है। ओह फाड़। Just look at the view. Awesome. ये इधर का नज़ारा देखो भाई। दो तीन थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये बात को ध्यान रखे इधर आते हैं तो। ये एक इधर का व्यू जबरदस्त भाई, फाड़ू एकदम। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा गोवा में। रास्ते ओहो, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे से अभी मैं चल कर आया हूँ, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। अब ये पाथ दिख रहा है जाने वाला, मैंने निकाल लिया है ऑस्मो एक्शन। ये आई एम इन गोवा। ये तो जबरदस्त लगी है चिलचिलाती हुई, लेकिन कोई नहीं, जगह पे पहुंच गया तो सब जायज है। चील बहुत सारे उड़ते हैं यहाँ, ड्रोन फ्लाई करने वाले, सावधानी से ड्रोन फ्लाई करें। और भी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे अभी। चलते चलते मैं रास्ता ढूंढता आ रहा था तो कुछ लोग आ रहे हैं। पहुंच गया उस जबरदस्त लोकेशन पे, देख सकते हैं आप। क्या फाड़, क्या ऑसम है ब्रो, आई एम जस्ट लविंग इट। ये देखिए सीन्स, ये उस एंड पे जो है इन पत्थरों के बाद है वो वेगेटर बीच, और इधर वाला कोई फॉरेनर्स का बीच है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वीडियो में आगे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप कौन सा बीच है ये।
तो वापस ऊपर आ चुका हूँ मैं अब, और हालत की बच गई बैंड। ओ चलते हैं अब वापस उधर। ओ वाओ यार, ऑसम एक्सपीरियंस। भाई लोग भी नीचे से घूम के आ गए हैं पुन्नू को लेकर। पूरा फोर्ट कवर करने के बाद अब वापस जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि ये सेंस नहीं बनता है। हाँ, वेगेटर बीच जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उसका व्यू ऊपर से ही ज़बरदस्त आ रहा था, तो नीचे से धूप में जाने का कोई मतलब बनता है नहीं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग रूम पे और फिर शाम में निकलेंगे अघोड़ा फोर्ट और कौन सा है सिंकुरिम बीच के लिए शूट करेंगे अपन, तब आगे का कंटिन्यू करेंगे। और डे टू में भी इवनिंग सेशन यानी कि सेकेंड हाफ, 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद, थोड़ा स्विमिंग वगैरह करने के बाद मैं रेडी हूँ, हम रेडी हैं और जा रहे हैं अभी अघोड़ा फोर्ट, और वहाँ से उसे करने के बाद जाएंगे सिंकुरिम बीच। तो चलते हैं अघोड़ा फोर्ट की ओर, लेट्स मूव ऑन। 4.2 अघोड़ा फोर्ट का दिखा रहा है और कहीं कुछ मुड़ना ही नहीं दिखा रहा है, अब सीधे चलते चलो बोल रहा है। तो पहुंच गए अब अपन लोग अघोड़ा फोर्ट, जो भी है टिकट ले चुके हैं, बंद ही होने वाला था काउंटर लेकिन हमने उतनी देर में ले लिया, और अब चलते हैं अंदर। तो एंट्री ले चुके हैं हम लोग अघोड़ा फोर्ट। टिकट कूदता क्यों आ चुके हैं अब अपन लोग अघोड़ा फोर्ट के अंदर, और ये है लाइट हाउस। तो यही है अघोड़ा फोर्ट, और अघोड़ा आता है पुर्तगीज शब्द, तो पुर्तगाल यहाँ रहा करते थे। और मराठाओं और अंग्रेजों से बचने के लिए इस किला का निर्माण किया गया था। चारों तरफ यहाँ पानी ही पानी है, नॉट लाइक अंडमान सेंट्रल जेल बट उसी टाइप से। और ये बीच में जो देख रहे हैं ये लाइट हाउस। तो अघोड़ा बीच सॉरी अघोड़ा फोर्ट कंप्लीट करने के बाद अपन लोग अब जा रहे हैं सिंकुरिम बीच, और यहाँ का टाइम जो है ना वो आप 3:30 पहुँच जाएं, क्योंकि उसके बाद एंट्री क्लोज हो जाती है, और अभी बज रहे हैं 6:40, 4:30 तक पहुँच जाएं, 4:30 के बाद एंट्री क्लोज हो जाती है और 6:40 में बंद हो जाता है ये 6:30 में। तो अभी अपन लोग निकल रहे हैं इधर से, ये देखिए एक 360 व्यू। की प्लान लोअर अघोड़ा फोर्ट, तो अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं अब सिंकुरिम बीच, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, लेकिन नाइट लाइफ तो गोवा में है ही, देख सकते हैं इधर भी सारा रिसॉर्ट्स वगैरह है, ऊपर में ताज था।
तो आज के दिन के सफ़र को यहीं पे करते हैं वाइंड अप और तैयारी करते हैं यानी अगले तीसरे दिन के लिए गोवा में। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन भी, तो चलते हैं आज होटल, वापस रेस्ट करेंगे और फिर कल मिलेंगे एक फ्रेश दिन के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।